कुमारी भीड़ देख लीजिए भाई, इतनी भीड़ थी ना यहाँ रात को, क्या बताएं। कुमारी दर्शन, भीड़ देखो भाई। जय माता दी। मैं भी ताराकोट मार्ग से आ रहा हूँ कटरा की तरफ। काफ़ी मौसम ख़राब हो गया, पुल हवा चल रही है पूरी। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है भाई, कटरा जाके मिलेंगे। मैंने सिर्फ गाना लगाया था बारिश की जाए, सच में बारिश आ गई। वापसी के लिए मैंने ये खुद चुना क्योंकि मैं देखना चाहता था इसमें क्या चेंजेस हैं। सभी बोल रहे थे बहुत चेंजेस हैं, बहुत कुछ नया है इसमें। मैंने बोला चलो देख लेते हैं, थोड़ा बहुत ठीक है फिलहाल, आगे जाते हैं अभी देखते हैं। अभी तो पूरा नहीं हुआ, बाणगंगा में जाएंगा जी सीधा रास्ता ख़त्म के लिए। बाय बाय। जय माता दी। जहाँ पे ताराकोट मार्ग पे सबसे अच्छी चीज़ ये लंगर है, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और दूसरा जहाँ पे झरने लगे हुए हैं बैठने के लिए भी है सब, वो आपको दिखेगा उधर। सो स्क्रीन भी लगी हुई है जहाँ पे, अच्छा है, जहाँ पे पिक्स भी खींच सकते हैं बंदा, कोई बात नहीं है। तो एंजॉय, बस कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं मिल रहा बस। देख लो मुख्य द्वार चेकिंग पोस्ट के लिए भाई, बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए चेकिंग के लिए लगभग ये देख सकते हो आप लाइन, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा चेकिंग के लिए लाइन लगी हुई है स्टार्टिंग मुख्य दरबार में। तो माता रानी के दरबार में इतनी भीड़ है ना हद से ज़्यादा। जय माता दी। आप देख सकते हो पूरी कटरा से ही लाइन लग गई है चेकिंग के लिए, पहली बार मैंने इतनी भीड़ देखी हुई वैष्णो देवी। हाय, मैं आया तो ताराकोट से हूँ, पर मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा उसके लिए। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो उस रास्ते से नहीं जाना, क्योंकि उस रास्ते से ना तो कोई रास्ते में शॉप्स हैं ना कुछ, और बहुत बोरिंग रास्ता है और इतना लेंथी है आप पागल हो जाओगे जाते हैं। इससे बेहतर जो सबके लिए है कॉमन, उससे जाओ एंजॉय करते करते। जय माता दी।